ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही बाइक के दो वेरियंट्स मिले, आपको न्यूअर मॉडल चाहिए या फिर आपको ओल्डर मॉडल चाहिए। जैसे मान लो ये एक प्रोडक्ट है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरा ये बहुत चल रहा है और मैं इसी को ही बेच बेच के आगे बढ़ गया, लेकिन अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, जो कि हो सकता है कि मेरे उन कस्टमर्स को ना पसंद आए जो कि आज तक मेरे फैंस रहे थे, उनके बच्चे मेरे फैंस हैं, तो एकदम से मैं इसको बंद करके ये वाली नहीं बेच सकता क्योंकि इसके अंदर मेरा बिजनेस का रिस्क है बहुत बड़ा। कोई भी जो ग्रोइंग कंपनी होती है, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना एक एक पॉइंट को एनालाइज करते हैं और एक एक पॉइंट एनालाइज करने के बाद में वो देखते हैं कि कमी कहाँ है। ये आप देख रहे हो इस वाली की जो जालियां हैं ये सीधी हैं, जाली जो आप देख रहे हो ना, ये जाली, ये अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, ये सीधी जालियां हैं, माउंट ऐसे होंगे ये दोनों इंटरसेप्टर में, इसकी जाली टेढ़ी है, देख रहे हो, इसकी जाली सीधी है, इसकी जाली टेढ़ी है। स्टार्टिंग में मैं ये वाले मॉडल्स देख के हिल गया था आज से 6 महीने पहले, जब इनके प्रोटोटाइप दिखाए गए थे कि भाई ऐसा कुछ आने वाला है उस कंपनी से, जिस कंपनी के मॉडल इतने टाइमलेस डिजाइन के साथ में बने हुए हैं, जैसे कि क्लासिक या थंडरबर्ड, जिनको कि अपग्रेड करने की या चेंज करने की जरूरत नहीं है लुक एंड फील वाइज, बट आप टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अगर अपडेट कर दें, थोड़ा अपग्रेड कर दें, तो भी आपका जो प्लान्स हैं वो बहुत ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जैसे जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, अब वो भी चाहते हैं कि उनके पास में एक क्रूजर बाइक हो, बट उनके हिसाब से जो उनके जो लेवल्स हैं वो मीट नहीं हो पा रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो मीट नहीं हो रही हैं ये वाले डिज़ाइन के थ्रू। कोई भी जो ग्रोइंग कंपनी होती है, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना एक एक पॉइंट को एनालाइज करते हैं और एक एक पॉइंट एनालाइज करने के बाद में वो देखते हैं कि कमी कहाँ है। उनको ऐसा लगा कि उनके डिज़ाइन में भी थोड़ी सी कमी है, और कमी नहीं है वो, बट उनको थोड़ा सा उसको अपग्रेड करना है, थोड़ा सा अपडेट करना है, क्योंकि न्यू जनरेशन बड़ी हो रही है, अभी जो स्कूल में बच्चे हैं वो उनका पूरा पूरा मतलब बिजनेस है, वही उनके टारगेटेड ऑडियंस है, जो स्कूल के अंदर बच्चे हैं, जो कि अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में हैं, जो कि जा रहे हैं, उनके अंदर उनको ना एक क्रेविंग बनानी है, एक लालच क्रिएट करवाना है कि आप आओ तो रॉयल इनफील्ड पे जाओ, और कहीं मत जाओ, और सब बेकार हैं, आप सिर्फ रॉयल इनफील्ड पे जाओ। इसलिए अब कंपनी की जो स्ट्रेटजीज हैं वो चेंज हो गई हैं, और जो स्ट्रेटजीज के जो पार्ट हैं वो हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी होनी चाहिए कि कोई ये ना बोल दे कि टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा पॉइंट, डिज़ाइन, जो क्लासिक का टाइमलेस डिज़ाइन था, जो कि सदियों से चलता आ रहा है, वही सेम है, छोटा मोटे से चेंजेस आते हैं, कभी टैंक बड़ा, कभी टैंक छोटा, कभी उसकी जो ग्राउंड क्लीयरेंस है थोड़ी कम कर देते हैं, कभी उठा देते हैं, कभी टायर बड़ा दे देते हैं, कभी कम कर देते हैं। स्कूल के अंदर आज के डेट में बच्चा है, वो वही नई चीज़ लेके आ जाएगा, लेकिन जो उसके पापा चलाते थे, तो वो मेंटली या फिर उसके जो दोस्त लोग होंगे वो कहेंगे अबे ये क्या, तो बूढ़ों वाली बाइक चला रहा है। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो कि किसी भी बिजनेसमैन को, किसी भी कंपनी को सबसे पहले देखना चाहिए। जैसे कि जावा आई, अब रिफ्रेश डिज़ाइन के साथ आई, था वैसा ही डिज़ाइन लेकिन रिफ्रेश था थोड़ा सा। अब बेनेली इम्प्रियल है, ऐसे ही बहुत सारे और भी लॉन्चेस हो रहे हैं जो कि इम्प्रूव डिज़ाइन, LED टेल लैंप्स, इंडिकेटर्स, ये सारी उसके अंदर बिल्कुल फिक्स आएंगी। जैसे कि इम्प्रियल का आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, तो उसका जो बैक है, बैक पीछे से पतला नहीं लगता, लेकिन जावा को पीछे से देख लो और क्लासिक को या थंडरबर्ड को आप पीछे से देख लोगे तो ये पतली पतली सी लगती है, लेकिन अगर आप इम्प्रियल को पीछे से देखोगे तो भारी भरकम लगती है, पीछे से भी, साइड से भी लगती है वो, आगे से थोड़ा सा लुक उसका बेकार है, लेकिन पीछे से और साइड से है काफ़ी इम्प्रेसिव। लेकिन क्लासिक का, थंडरबर्ड का और जावा का आगे से लुक अच्छा है। तो अब कंपनी को न्यू जनरेशन को टारगेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या कर रही है कंपनी, वो पता है क्या कर रही है। देखो जैसे आप अभी देख रहे हो ना, ये डिज़ाइन के अंदर चेंजेस होने वाले हैं, ये जो डिज़ाइन के अंदर चेंजेस है ना, अभी आप इसका ये हैंडल देख रहे हो, ये जो स्पीडोमीटर आप देख रहे हो, ये एक एक चीज़ कंपनी चेंज करेगी मेरे हिसाब से, कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सारा सेम ही होगा, जो BS6 अप्रैल के अंदर आएगी, जो लॉन्च होगी, जो न्यू डिज़ाइन है ये उसी स्ट्रक्चर के ऊपर ही क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि टैंक का शेप, ये जो आप टैंक का शेप देख रहे हो ये बिल्कुल डिफरेंट है, सीट, आपके जो रिम्स हैं, इंजन माउंट्स, बैकलाइट, बैकलाइट भी चेंज की, बताओ क्यों, क्योंकि वही सेम इंप्रेशन ही चल रहा है, डेकेड्स बाय डेकेड्स, सदियां हो गई, मतलब जनरेशन बीत गई, वही जो उनका जो बैक व्यू था, जो बैक के जो लुक्स थे, टेल लुक्स, वो सेम ही थे, अब टेल लुक्स को और ज़्यादा क्रिस्प, क्लियर और स्पेसिफिक कर दिया गया है कि हाँ ये क्लासिक ही हैं। क्लासिक्स का मतलब वो होता है जिन्होंने प्रीवियस टाइम के अंदर कुछ अच्छा किया हो, कुछ बड़ा किया हो, वरना हम उन्हें कुछ और भी बोल सकते हैं कि ओल्ड बाइक्स या ये वो सब कुछ। क्लासिक्स बेसिकली, क्लासिक जहाँ लिखा आ गया वो है कि इसने कुछ ना कुछ किया, के लिए उन्होंने डिज़ाइन के अंदर इंप्रूवमेंट करी, और डिज़ाइन के अंदर इंप्रूवमेंट करनी भी चाहिए थी। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक ही बाइक के दो वेरियंट्स मिले, आपको न्यूअर मॉडल चाहिए या फिर आपको ओल्डर मॉडल चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी, जैसे मान लो ये एक प्रोडक्ट है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ये मेरा बहुत चलता है,
ये जो लीवर है ये बहुत चलता है, ये सब पूरा मेटल का बना हुआ है, एडजस्टेबल है, रॉयल इनफील्ड में लगता है, थंडरबर्ड में भी लगता है, हर एक बाइक में लगता है। मेरा ये बहुत चल रहा है और मैं इसी को ही बेच बेच के आगे बढ़ गया, लेकिन अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, जो कि हो सकता है कि मेरे उन कस्टमर्स को ना पसंद आए जो कि आज तक मेरे फैंस रहे थे, उनके बच्चे मेरे फैंस हैं। तो एकदम से मैं इसको बंद करके ये वाली नहीं बेच सकता, क्योंकि इसके अंदर मेरा बिजनेस का रिस्क है बहुत बड़ा। हो सकता है कि वो आ जाए प्रोडक्शन के अंदर, आपको शोरूम में मिले और वो देखें कि इस वाली बाइक्स को वो थोड़ी सी कम प्रोड्यूस करेंगे, ऐसे ही होता है टेस्टिंग फेज में, ऐसे ही होता है जैसे कि सेल्टॉस के साथ हुआ किया के, किया स्टार्टिंग में आई इंडिया में कंपनी, थोड़ी सी कम प्रोड्यूस करी कार्स, जब उन्होंने देखा कि बुकिंग इतनी ज्यादा आ रही है, लोग पागल हो रहे हैं, जैसे कि MG हेक्टर, जब उनका बुकिंग बढ़ती रही तो प्रोडक्शन रेट बढ़ा दिया, प्रोडक्शन रेट डबल कर दिया। वो कैसे कर दिया? वो यही होता है बिजनेस प्लान्स, कि मैं देखूंगा पहले कि मेरी ये चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, फिर मैं इस चीज़ को हल्के हल्के इसकी प्रोडक्शन कम कर दूंगा और इस चीज़ की प्रोडक्शन में बढ़ा दूंगा और इसको गिरा के ये चीज़ इसके ऊपर आ जाएगी, लेकिन बिजनेस पे कोई लॉस नहीं होगा। ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। और ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये लीवर्स हैं, एडजस्टेबल लीवर्स, ये kingindian.in पे आप जा सकते हो, kingindian.in ब्राउज़र पे लिख देना, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब जॉन जॉन सी भी बाइक्स नई लॉन्च हो रही ना, उन सब के लिए मैं नई नई चीज़ें लेके आ रहा हूँ और सीरियसली बताऊँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कि अगर हमारे पास इंटरसेप्टर है, और इंटरसेप्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, इंटरसेप्टर बनी है रेट्रो रोस्टर, उसके अंदर कंपनी ने कुछ नहीं दिया यार। एक तो इतनी सस्ती बाइक दे रहे हैं 650cc के अंदर पैरेलल ट्विन, कहीं पे भी आपको 3-3.5 लाख रुपए का या 3 लाख रुपए का आपको बाइक मिलता है 650cc? नहीं मिलता ना, ये कंपनी दे रही है, ये कंपनी के पास में प्लान्स हैं कि 650 इंटरसेप्टर, क्योंकि रॉयल इनफील्ड के साथ में ज़्यादातर के साथ में क्या होता है, ये ना लोगों को ना खाली पेपर लगता है, ब्लैंक पेपर है, खाली कागज। अब ये खाली कागज है, मैं इसमें ये भी लगाऊंगा, मैं इसके अंदर ये भी ट्रिमिंग करूंगा, मैं ये ऑल्टरेशन करूंगा, मैं ये मॉडिफाई करूंगा, मैं वो मॉडिफाई करूंगा। कंपनी ने स्टार्टिंग से ही सोच लिया कि मेरे को खाली पेपर ही बना के देना है कस्टमर को। अब वो खाली पेपर है, उसमें आप कुछ भी करो। तो इन बाइक्स के साथ में ये होता है कि आप अपना शौक पूरा कर सकते हो, जैसे कि आपको शौक है कि अच्छी अच्छी चीज़ें लगा के, जैसे कि ये वाले एग्जॉस्ट, ये एग्जॉस्ट इंटरसेप्टर पे बहुत ही सुंदर लगेंगे अगर हमने लगाए तो, ठीक है। ये वाले एग्जॉस्ट, ये क्लासिक ड्रैक्स्टर का डिज़ाइन होता है, जो क्लासिक ड्रैक्स्टर हुआ करते थे उनके अंदर लगा करता था, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है इसका। ऐसी चीज़ें आपको kingindian.in में मिल सकती हैं, बट ये नहीं मिलेगा आपको। ये क्यों नहीं मिलेगा? इसके अंदर एक हल्का सा डिफेक्ट है। देखो kingindian.in का मैं आपको एक मोटो बता देता हूँ, ये वाले एग्जॉस्ट मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे टेस्टेड है। मेरे को इसके अंदर हल्का सा एक डिफेक्ट लगा, तो ये जो मेरे माल था, ये जो मेरा पीस था, ये जहाँ से आया था पूरा पूरा रिटर्न जाने वाला है। मैंने इसको अभी तक साइट पर अपडेट नहीं किया, इसका न्यूअर वेरिएंट आएगा, अपग्रेडेड वेरिएंट आएगा जब हम अमेजोन पे चले आएंगे और आपको अमेजोन पे मिलेगा। बेसिकली यही होती है स्ट्रेटेजी, अगर रॉयल इनफील्ड एक बेकार सी बाइक बना के मार्केट में उतार दे, उसके अंदर कमियां हो, जैसे कि ये एग्जॉस्ट, अगर मैं ये किसी को बेच दूं, तो वो कल को ये बोलेगा कि मैंने kingindian.in से ये एग्जॉस्ट लिया था, ये तो इसमें मज़ा नहीं आया और ये थोड़ा सा डिफेक्टिव भी है। देखो डिफेक्ट कहाँ है, मैं दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जब आपके पास में 100 पीस हैं, 100 पीस आए हुए हैं और 100 के 100 में यही है, तो फिर वो डिफेक्ट बन जाता है। वो कैसे? बाइक पे ये माउंट होगा ऐसे, ठीक है, इसको माउंट होना चाहिए ऐसे। ये आप देख रहे हो इस वाली की जो जालियाँ, ये सीधी हैं, ठीक है, जाली जो आप देख रहे हो ना, ये जाली, ये अगर मैं दिखा पा रहा हूँ, ये सीधी जालियाँ हैं, माउंट ऐसे होंगे ये दोनों इंटरसेप्टर में। इसकी जाली टेढ़ी है, देख रहे हो, ये 100 के 100 पीसों में ऐसे ही है, इसकी जाली सीधी है, इसकी जाली टेढ़ी है, तो यही फ़र्क है। एज अ स्मॉल बिजनेसमैन कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेता है कि अपने कस्टमर को वो दुख पहुंचाए किसी भी तरीके से। एक इतनी बड़ी कंपनी जो रॉयल इनफील्ड है, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकती। तो आपके जो सेंटीमेंट्स हैं, आपके जो फीलिंग्स हैं, उनके साथ खेला नहीं जाएगा। आपकी जो भावना है वो ये करेंगे कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया नया, आप देखो टेस्ट राइड लो, सब कुछ करो, लोगों को पसंद आएगा, लोग वो लेंगे और वो चीज़ें सक्सेसफुल होती रहेंगी। जो डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट्स है ना, वो ज़रूरत होती है उनकी, वो मस्ट होते हैं। अब कैसे, जैसे कि मान लो कि ये एक एग्जॉस्ट है, ये इंटरसेप्टर के लिए, जावा के लिए, जावा में भी लगता है ये, इंटरसेप्टर में भी लगता है। इसका साउंड इतना सुरीला है और इतना ज़्यादा बेस है इसके अंदर कि मज़ा आ रहा है। लेकिन पहले कंपनीज क्या करती थी, ये इम्पोर्टेड साइलेंसर है, ये इंडियन मेड नहीं है। पहले कंपनीज क्या करती थी कि ये भी लोहे का दे दिया, ये भी लोहे का दे दिया और अंदर से इसको फ्री फ्लो कर दिया। लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, क्या करने लगे लोग, स्टील का फ्रेम देने लगे और ये एल्युमिनियम की टिप बनाने लगे। अभी कुछ एग्जॉस्ट ऐसे भी हैं मेरे पास में जिनको कि मैं बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ मार्केट में, जो कि पूरे पूरे ही ना वो एल्युमिनियम के हैं।
तो आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो पूरे पूरे एग्जॉस्ट एल्युमिनियम के हैं और लाइट वेट होंगे बहुत। फिर क्या दादा, ये भाई ये ग्लास वूल है या ये सिरेमिक वूल है? ठीक है, ग्लास वूल सिरेमिक वूल के अंदर ही दुनिया कंफ्यूज करती थी और लोग ग्लास वूल वालों को भी बोलते थे कि ये सिरेमिक वूल है ले जाओ, अब खोल के कौन चेक कर रहा है, किसको क्या पता कि वो वाइट कलर की होती है या वो क्रीम कलर की है, येलो कलर की होती है। एक नॉर्मल कंज्यूमर को नहीं पता, ऐसे ही रॉयल इनफील्ड के कंज्यूमर्स को भी नहीं पता कि वो लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं, वो लोग कैसे चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं, बट ये पता है कि हाँ लेंगे तो हम भी बुलेट लेंगे तो हम भी रॉयल इनफील्ड। अब क्या होता है, सिरेमिक वूल और एक ग्लास वूल को काट दिया गया, ऐसे ही हुआ, BS4 वाले वेरियंट्स के डिज़ाइंस को काट दिया गया, डिज़ाइन स्ट्रेटजी नहीं आई ऐसी करके, ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई, इसको बोलते हैं सिंथेटिक वूल। ये वूल इतनी पतली होती है लेकिन कई हज़ारों जो टेम्परेचर होता है, जो भट्टियों का टेम्परेचर होता है जहाँ पर लोहा पिघलता है, उस वाले लोहा पिघलने वाले चीज़ को भी सेफ करती है ये। सोच रहे हो तो हमारी बाइक में तो इतना टेम्परेचर क्रिएट ही नहीं होता ना कि उससे लोहा पिघल जाए। तो सिंथेटिक वूल ही टेक्नोलॉजी थी जो पतली थी, जिससे कि इन सब चीज़ों को साइज़ देखो तो देखो, जैसे ये सिंथेटिक वूल के अंदर बना हुआ, इसका साइज़ कितना छोटा और ये कितना ज़्यादा स्लिम है। लेकिन जैसे आप डॉल्फिन वगैरह देखोगे तो डॉल्फिन साइलेंसर इतने बड़े बड़े हैं, वो सिंथेटिक वो सिरेमिक वूल के साथ होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं, वूल भरी होती है तभी वो बेस क्रिएट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं डॉल्फिन प्रीमियम। डॉल्फिन उसके मुंह की वजह से प्रीमियम, उसकी बिल्ड क्वालिटी की वजह से, इसलिए उसको प्रीमियम बोला जाता है। उसके अंदर सेरेमिक वूल का यूज़ किया जाता है, इसके अंदर सिंथेटिक वूल का यूज़ किया जाता है। तो कंपनीज के साथ में भी, मॉडल्स के साथ में भी यही है कि वो अब चीज़ चार्म तो वही बनाए रखेंगे लेकिन ऊपर से टेक्नोलॉजी को लाके भी आपके ऊपर डाल देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और सीरियसली मुझे भी बहुत खुशी होगी जब मैं उन बाइक्स के वीडियोज़ बनाऊंगा अगर मौका मिला तो। तो दोस्तों, अपनी जो ख्वाहिश है ना उसको मारने की कभी मत कोशिश करना, जितनी जितनी हो सके उतनी उतनी कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मेरे को ये चीज़ चाहिए लेकिन ये चीज़ नहीं ले पा रहे तो थोड़ी कम ले लो, सेकेंड हैंड ले लेना, लेकिन ले लेना, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बारी मिलती है, वन लाइफ। अगर वन लाइफ में आपने वो नहीं किया जो आप चाहते हो, अपनी उम्मीदें हमेशा मारते रहे, तो पता है क्या होगा, जब मर रहे होगे ना तब ये सोचोगे भाई यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया ज़िंदगी जी के, बस साली काटी ज़िंदगी जी नहीं। तो छोटी सी लाइफ है दोस्तों, जियो उसको जितना जी सकते हो, जितने अच्छे से जी सकते हो, और हाँ सामने वाले की हेल्प करना कभी मत भूलना। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।